हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ सिक्स वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल्फ फॉर क्लास नाइन्थ। एंड टॉपिक वर कवर्ड इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी, शेप एंड साइज ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस एंड सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। लास्ट टॉपिक है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साइटोप्लाज्म। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपने बचा बताया था। तो मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा। तो इसमें क्या बचा हुआ था कि क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इसको दोबारा से एक ब्रीफली इसको बताया दे रहा हूँ। क्रोमेटिन्स क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, इनसे न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन्स का क्या रोल होता है, और कैसे क्रोमोजोन्स क्या होते हैं, और कैसे ये कब बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये होता है क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन क्या करता है, ये मैं आपको, क्रोमेटिन जब कभी सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न के टाइम पर ही, सेल डिवीज़न में उसमें जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोजोन्स में। और क्रोमोजोन्स जो होते हैं कुछ इस तरीके से अपीयर होते हैं, जो कि आपके सामने दिखे हुए हैं। तो ये क्रोमोजोन्स इस तरीके से होते हैं, और इनका क्रोमोजोन्स का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। क्रोमोजोन्स इज़ अ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन होती है, और जो डीएनए का एक सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं जीन। डीएनए का कोई भी एक सेगमेंट होगा उसको हम बोलेंगे जीन। और जीन का क्या फंक्शन होता है, जीन जो होता है वो हेरिडिटी, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में, यानी पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो जीन डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है हम जानते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो, अच्छा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। यानी इसलिए हम बोल सकते हैं कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जीन। विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नाइदर सर्वाइव नॉर शो द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़। यानी मोस्ट लगभग सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जिसमें नहीं होता है तो वो अपनी स्पेशल एक्टिविटी को शो नहीं कर पाता है। और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। बात करते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि थर्ड पार्ट है और सबसे मतलब लार्जेस्ट पार्ट, यानी सब कुछ इसमें डिजॉल्व होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि ये आपके सामने एक सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। सेल में आउटर जो पार्ट दिखाया गया है ये सेल मेम्ब्रेन, एंड सेंटर में न्यूक्लियस, उसके अलावा जो भी बचा होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे कि मैंने बताया था, सेल सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंड इसके अलावा जो भी ये पोर्शन लिक्विडी पार्ट है, और जो भी ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म। तो अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या कंसिस्ट करता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सेवरल ऑर्गेनेल्स दैट कैन परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द सेल। यानी साइटोप्लाज्म क्या होता है कि उसमें सारे ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं ये आपको हम वन बाई वन बताएंगे, और सबका डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, इट सपोर्ट द सस्पेंड्स द सेल ऑर्गेनेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी ये क्या करता है, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी सेल ऑर्गेनल्स ही मेंस होते हैं जो फंक्शंस करते हैं, उनको क्या करता है, सपोर्ट और सस्पेंड करता है। द सेलुलर प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म सच एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। यानी जो भी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स,
या सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। इट अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल सच एज हारमोन्स, यानी ये क्या करता है, ये जो भी हार्मोन जो भी मूवमेंट्स होते हैं सब्सटेंस के वो अलाउ करता है सारे ऑर्गेनल्स और सेल के बीच में। इट डिसॉल्व सेलुलर वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है ये इसमें डिसॉल्व होता है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, प्रोटोप्लाज्म, एक वर्ड होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या कंसीडर करता है, क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली लिविंग पार्ट होता है, लिविंग पार्ट जो भी सेल का होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या कंसीडर करते हैं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस, तीन चीज़ों को अगर हम एक साथ बोलें, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, तो इनको ये सारे लिविंग पार्ट्स होते हैं और इस सबको एक साथ मिला के हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म और सॉरी प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक साइटोसोल जो लिक्विडी पार्ट होता है यानी जो फ्लूड होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो साइटोसोल होता है, और जो उसमें ऑर्गेनल्स पड़े रहते हैं उनको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी अपार्टिस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, सेंट्रियोसोम, ये सारे क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स। तो ये साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों अलग वर्ड हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। साइटोप्लाज्म जो लिक्विडी पार्ट होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं, और जो उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं सॉलिड सब्सटेंस वो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, द सेल परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, द ऑर्गेनल्स आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउस सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सेल, यानी सेल में जो भी फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ऑर्गेनल्स विच कैरी आउट द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द सेल, जो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म होते हैं मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा ही किया जाता है। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी अपार्टिस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम एंड पेरोक्सिसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।